हेलो एवरीवन, आई एम अंकित कुमार और आज हम रीजनिंग के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चंस को देखेंगे। और ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि ऑलमोस्ट सभी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशंस में रिपीटेडली पूछे जाते हैं। ऑलराइट, और जो भी क्वेश्चन हम आज देखेंगे ये सभी वो क्वेश्चन हैं जो कि एग्जामिनेशंस में कई बार पूछे जा चुके हैं और ये बार बार पूछे जाते हैं। और यदि हम इसमें गिवन फिगर्स को नॉर्मल तरीके से काउंट करें तो इसमें कोई ना कोई पॉसिबिलिटी हमसे छूट जाती है, उसके मिस होने के चांसेस बहुत बहुत ज्यादा होते हैं क्योंकि हमारा ध्यान उन पर नहीं जाता है। ऑलराइट, तो हम इन क्वेश्चंस को एक ऐसे तरीके से करेंगे जिससे कि हम इस टाइप के क्वेश्चंस को स्टेप बाय स्टेप विदाउट मिसिंग एनी पॉसिबिलिटी विद इन ए फ्यू सेकेंड्स बड़े आसानी से सॉल्व कर देंगे और उससे हमारा एकदम सटीक आंसर आएगा, कोई भी पॉसिबिलिटी हमारी मिस नहीं होगी। ओके, एंड बिफोर स्टार्टिंग सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना मत भूलिए और साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए जिससे कि आपको आगे आने वाली इसी टाइप के इंपॉर्टेंट एंड ट्रिकी क्वेश्चन से रिलेटेड वीडियोस टाइम टू टाइम मिलती रहे और आपका मैथ, रीजनिंग एंड जीके वाला पोर्शन स्ट्रॉन्ग बना रहे जिससे कि आप अपने एग्जामिनेशन में अच्छा स्कोर कर सकें। ऑलराइट, देखिए इस टाइप के क्वेश्चन पर ये चौथी वीडियो है, इससे पहले हम तीन वीडियोज ऑलरेडी बना चुके हैं। यदि आपने वो अभी तक नहीं देखी है तो आप प्लीज उनको जरूर देखिए, उनमें हमने वो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करे हैं जो कि एग्जामिनेशंस में पूछे जा चुके हैं और बार बार पूछे जाते हैं। ओके, तो चलिए इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो देखिए इस तरीके में सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जैसे यदि इसमें ये त्रिभुज यानी कि ट्रायंगल्स पूछ रहा है तो हम इसमें ट्रायंगल्स काउंट कर लेंगे। तो देखिए तरीका क्या है कि सबसे पहले हम सिंगल ट्रायंगल्स को काउंट करते हैं, फिर दो ट्रायंगल्स का इस्तेमाल करके जो ट्रायंगल्स बनते हैं उनको काउंट करते हैं, फिर तीन का इस्तेमाल करके जो बनते हैं उनको, और फिर ऐसे ही हम करते चले जाते हैं और फिर बाद में उनका एडिशन करके हमारा फाइनल आंसर आ जाता है। और ये एक ऐसा तरीका है कि इससे आपका कोई भी पॉसिबल केस मिस नहीं होता है। ऑलराइट, तो चलिए इस क्वेश्चन में देखते हैं कि सिंगल ट्रायंगल्स कितने बन रहे हैं। ओके, तो देखिए एक, दो, तीन, चार, पांच, छह और सात। तो यानी कि सिंगल ट्रायंगल्स जो कि दो या दो से ज्यादा ट्रायंगल्स का इस्तेमाल करके नहीं बन रहे हैं, वो अपने आप में ही एक ट्रायंगल है। तो ऐसे कितने केस बन रहे हैं? सेवन। अब हम देखेंगे कि दो ट्रायंगल्स का इस्तेमाल करके कितने ट्रायंगल्स बन रहे हैं। ऑलराइट, तो देखिए एक तो ये बन रहा है और एक इसमें ये ऊपर वाला ये बन रहा है और एक ये बन रहा है। ओके, यही पॉसिबल केसेस हैं जिसमें कि दो ट्रायंगल्स का इस्तेमाल करके ट्रायंगल्स बन रहे हैं। ऑलराइट, तो टोटल कितने केस हैं? तीन। अब हम देखेंगे कि तीन ट्रायंगल्स का इस्तेमाल करके टोटल कितने ट्रायंगल्स बन रहे हैं। तो देखिए कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज बनती हैं। एक तो देखिए ये वाला ट्रायंगल होगा एक, और एक ये वाला होगा दो, और एक ये वाला होगा। ओके, और एक ये नीचे वाला होगा। ऑलराइट, तो टोटल कितने केस बने? चार। यही चार पॉसिबिलिटीज होंगी, इसके अलावा और कोई पॉसिबल केस नहीं बन रहा है जिसमें कि तीन ट्रायंगल्स का इस्तेमाल करके कोई ट्रायंगल बन रहा हो। तो तीन ट्रायंगल्स का इस्तेमाल करके टोटल कितने ट्रायंगल्स बन रहे हैं? फोर। अब हम देखेंगे कि चार ट्रायंगल्स का इस्तेमाल करके कितने ट्रायंगल्स बन रहे हैं। तो देखिए यदि हम कोई भी चार ट्रायंगल्स को कंसिडर करें, माना इन चार ट्रायंगल्स को कंसिडर करें, तो ये कोई ट्रायंगल बन रहा है क्या? नहीं। ऑलराइट, इसके अलावा कोई और चार ट्रायंगल्स को कंसिडर करें, यदि हम इन चार को कंसिडर करें तो इनके इस्तेमाल से कोई ट्रायंगल बन रहा है क्या? नहीं। तो देखिए चार ट्रायंगल्स का इस्तेमाल करके कोई ट्रायंगल नहीं बनेगा, और इसी प्रकार पांच, छह और सात ट्रायंगल्स का इस्तेमाल करके भी कोई ट्रायंगल नहीं बनेगा। ऑलराइट, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये हमको कहां तक लेके जाना है। ऑलराइट, तो देखिए जितने सिंगल ट्रायंगल्स होंगे जो उनका नंबर होगा जो कि हमने काउंट किया है सेवन, हम उनके नंबर्स तक लेके जाएंगे। ऑलराइट, यानी कि सेवन तक। सिंगल ट्रायंगल सेवन है तो छह का इस्तेमाल करके, सात का इस्तेमाल करके ही बनाएंगे। ओके, आठ का इस्तेमाल करके नहीं बना सकते क्योंकि आठ तो टोटल सिंगल ट्रायंगल्स है ही नहीं। ऑलराइट, तो मैक्सिमम कितने ट्रायंगल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं? सात ट्रायंगल्स का। देखिए ये दोनों ट्रायंगल्स नहीं है। ऑलराइट, यदि आप ये सोच रहे हो कि ये दोनों ट्रायंगल्स हैं और ये कंसिडर क्यों नहीं किए, क्योंकि इनकी ये वाली जो साइड है ये सर्कुलर है। ऑलराइट, और ट्रायंगल की कोई भी साइड सर्कुलर नहीं होती है, वो एक स्ट्रेट लाइन होती है। ओके, तो देखिए अब हम इनको ऐड कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए 7 + 3 10 और 10 + 4 14, तो 14 किस ऑप्शन में है? सेकंड ऑप्शन में। तो यानी कि इस गिवन फिगर में जो टोटल मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रायंगल्स बनता है वो 14 होंगे। ऑलराइट, तो 14 हमारा आंसर हो जाएगा। और देखिए इसको थोड़ा समझाने में टाइम लग रहा है, जब आप इस पर प्रैक्टिस करेंगे और खुद से सॉल्व करेंगे और जब आप इसको एग्जाम में सॉल्व करेंगे तो ये विद इन ए फ्यू सेकेंड सॉल्व हो जाएगा। ऑलराइट, और कोई केस मिस नहीं होगा, आपका एकदम एग्जैक्ट एंड एक्यूरेट आंसर आएगा। ओके, तो देखिए इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि इस गिवन फिगर में
मैक्सिमम कितने पॉसिबल ट्रायंगल्स बन सकते हैं। ऑलराइट, तो देखिए तरीका वही है, सबसे पहले हमको सिंगल ट्रायंगल्स गिनने हैं और फिर उसके बाद दो का इस्तेमाल करके, फिर तीन का इस्तेमाल करके, फिर चार का इस्तेमाल करके, एंड सो ऑन, ऐसे ही हम काउंट करते चले जाएंगे। अब देखिए सबसे पहले सिंगल ट्रायंगल्स काउंट करते हैं, तो देखिए सबसे ऊपर से स्टार्ट करते हैं, तो एक और दो, ओके, फिर ये दो कोने पर तीन, चार, पांच, छः, सात, आठ, ओके। तो देखिए सिंगल ट्रायंगल्स कितने बनते हैं, आठ। अब हम देखेंगे कि दो ट्रायंगल्स का इस्तेमाल करके कितने ट्रायंगल्स बन रहे हैं। ऑलराइट, तो देखिए एक सबसे ऊपर और फिर एक इन दो का इस्तेमाल करके दो, और फिर एक इसके अपोजिट में तीन, और ऐसे ही एक ये चार, ऑलराइट, और ये एक पांच, और ये एक छः, ओके। तो टोटल कितने केस बनेंगे, छः, तीन ऊपर वाले ट्रायंगल पर और तीन इस नीचे वाले ट्रायंगल पर, तो इससे हमारे छह केसेस बनते हैं। अब देखते हैं कि तीन ट्रायंगल्स का इस्तेमाल करके कितने ट्रायंगल्स बनते हैं। तो देखिए आप कोई भी तीन ट्रायंगल्स कंसिडर कीजिए, यदि हम कोई भी तीन ट्रायंगल्स कंसिडर करते हैं, माना कि ये करते हैं, तो क्या इनसे ये ट्रायंगल बन रहा है क्या, नहीं। आप कोई भी तीन ट्रायंगल्स लेके देख लीजिए, कहीं पर भी तीन ट्रायंगल से कोई भी ट्रायंगल नहीं बनेगा, तो टोटल केस कितने होंगे, जीरो, ओके। अब हम देखेंगे कि चार ट्रायंगल्स का इस्तेमाल करके कितने ट्रायंगल्स बन रहे हैं। तो देखिए एक तो ये सबसे ऊपर बन रहा है, इसमें चार ट्रायंगल्स हैं, ऑलराइट, और एक ये नीचे बन रहा है, इसमें चार ट्रायंगल्स हैं, एक दो, और एक ये वाला और एक ये वाला, ऑलराइट। तो टोटल कितने केस बने, दो। अब यदि हम देखें कि पांच ट्रायंगल्स का इस्तेमाल करके कितने ट्रायंगल बनेंगे, तो देखिए पांच ट्रायंगल्स का इस्तेमाल करके इसमें कोई ट्रायंगल नहीं बनेगा, ना छह का इस्तेमाल करके कोई बनेगा, ना सात से, ना आठ से, ऑलराइट। जो भी हमारे पॉसिबल केसेस हैं वो यही हैं, और हम इनको ऐड कर लेंगे, तो इनको ऐड करने से हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए आठ और छह चौदह, चौदह और दो 16, ऑलराइट। 16 किस ऑप्शन में है, सेकंड में, ओके। तो हमारा आंसर क्या होगा, 16। तो यानी कि इस गिवन फिगर में टोटल पॉसिबल ट्रायंगल्स जो बनेंगे उनकी संख्या 16 होगी, ओके। देखिए क्वेश्चंस एग्जामिनेशंस में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, देखिए यदि आप इन क्वेश्चंस का तरीका समझ लें और इस पर थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लें, तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत आसान होगा और आप बहुत जल्दी कुछ सेकंड्स में ही इसका जवाब दे देंगे, ओके। और प्रैक्टिस के लिए हम इस टाइप के क्वेश्चन आगे आने वाली वीडियोज में भी कवर करेंगे, और इसी टाइप के क्वेश्चन पर हम ऑलरेडी तीन वीडियोज बना चुके हैं। यदि आपने वो वीडियोज नहीं देखी हो तो आप उनको प्लीज जरूर देखिए, उनका लिंक ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, और आपको एंड स्क्रीन पर भी शो हो रही होंगी। और आगे आने वाली आपकी कोई वीडियो मिस ना हो तो उसके लिए आप सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए, ऑलराइट, जिससे कि आपकी आगे आने वाली इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, रीजनिंग एंड मैथमेटिक्स से रिलेटेड वीडियो मिस ना हो और आपका ये वाला पोर्शन स्ट्रांग रहे, जिससे कि आप एग्जामिनेशन में अच्छा स्कोर कर सके। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव एंड वैल्यूएबल लगा होगा, यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि आपको ये कैसा लगा, और यदि आप कोई सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। यू आर मोस्ट वेलकम, ऑल राइट, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन, एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय।